इस वीडियो में हम बताने वाले हैं दोस्तों, आप अगर जियो का सिम चला रहे हो, अगर आप जियो के सिम से किसी को मैसेज वगैरह करने की कोशिश कर रहे हो तो मैसेज सेंड नहीं हो पा रही है, तो कई सारे लोगों को दिक्कत आ रही है। इस वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा। सोल्यूशन बताने से पहले मैं आपको इसका रीज़न बताऊंगा ये क्यों हो रहा है, तो वीडियो को पूरा देख सकते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बेसिकली दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जियो ने कई सारे अलग अलग प्लान लाए हैं जिसमें हमें मैसेज वगैरह SMS करने के लिए हमारे पास रिचार्ज होना आवश्यक है, और रिचार्ज भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा रिचार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें अब दिक्कत आती है, जब हम मैसेज भेजते हैं तो वो मैसेज नहीं जा पाती है। तो मैसेज ना जाने की वजह हमारी फ़ोन भी हो सकती है और हमारा सिम भी हो सकता है। कैसे समझते हैं, सबसे पहले दोस्तों आपको अगर मैसेज नहीं जा रहा है तो आपको ये चेक कर लेना है कि आपने जो रिचार्ज किया है वो सही रिचार्ज है, मतलब आपने सही से रिचार्ज तो किया है, आपके जो इस नंबर से आप मैसेज भेज रहे हैं उसमें रिचार्ज है। अब कई सारे लोगों का ये कहना है कि हमारे फ़ोन में रिचार्ज है, लेकिन अगला जो प्रॉब्लम है ये वो यही है कि आपने कौन सा रिचार्ज किया हुआ है। कई सारे ऐसे पैक्स है जिसमें हमें SMS वाला पैक नहीं मिल रहा, यानी कि अगर आप कोई बड़ा वाला रिचार्ज भी करते, मान लीजिए अगर आपने 119 रुपये का रिचार्ज कर रखा है तो उसमें आपको 14 दिन की वैलिडिटी मिलती है, लेकिन उसमें आपको SMS वाला प्लान नहीं मिलता। तो कई बार इस तरह का हमारे साथ कंफ्यूजन हो जाता है कि हम रिचार्ज तो करवाते हैं लेकिन उसमें हमें जो SMS वाला ऑप्शन है या फिर SMS वाला प्लान है वो उसमें नहीं दिया जाता, और हम यहाँ पर SMS भेजने की कोशिश करते हैं, हमारे SMS सेंड नहीं होता है। तो यहाँ पर आप एक बार अपने प्लान को चेक कर लीजिए, माई जियो एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करके वहाँ पर देख सकते हैं आपके प्लान में आपको क्या क्या चीज़ें मिली हुई है। तो ये हो गई दूसरा जो रीज़न है जिसके चलते आपका मैसेज वगैरह वो सेंड नहीं हो रहा। तो इसमें मैं भी शायद आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा क्योंकि आपने वो प्लान ही नहीं लिया है। अगला जो रीज़न आ सकता है या फिर हो सकता है, आप जिस भी व्यक्ति को मैसेज भेज रहे हो या फिर अगर आपका ऐसा कहना हो सकता है कि मैं जब मैसेज भेजता हूँ तो वो किसी बंदे को जा रहा है, कई सारे लोगों को नहीं जा रहा, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो कभी कभार ग्लिच आ जाता है जिससे हमारा जो मैसेज नहीं जा पाता है, जो पर्टिकुलर एक किसी व्यक्ति को नहीं जाता है बाकी सबको जाता है, या फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमने किसी व्यक्ति को ब्लॉक करके रखा है, मतलब हमारी उस व्यक्ति का हमने नंबर ब्लॉक लिस्ट में अपने ऐड कर रखा है और हम उसी को मैसेज वगैरह भेजने की कोशिश करते हैं, तब हमारा जो मैसेज है तभी भी उस टाइम भी हमारा मैसेज उस व्यक्ति को सेंड नहीं होगा। ये सभी फ़ोन में नहीं होता लेकिन कभी कभार, मतलब ज़्यादातर फ़ोन में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ फ़ोन ऐसे होते हैं जिनमें ये सेटिंग होती है। अगर आपने किसी व्यक्ति को ब्लॉक करके रखा है तो आप उस व्यक्ति को मैसेज नहीं भेज सकते, तो आपको एक बार अपनी ब्लॉक लिस्ट भी चेक कर लेनी है। इसके अलावा कभी कभार जो बहुत ही मिनिमम या फिर रेयर प्रॉब्लम है वो है आपके नेटवर्क की, यानी कि आपके फ़ोन की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर हम बात करेंगे। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर अगर आप जियो का सिम कार्ड चला रहे हैं तो आपके पास जो फ़ोन है उसमें आपने VLTE जो ऑप्शन है उसको ऑन किया होना चाहिए। वैसे तो ये अपने आप ऑन हो जाता है जब आप 4G सिम कार्ड लगाते हैं अपने मोबाइल के अंदर, लेकिन जब आप जियो का सिम कार्ड इस्तेमाल करेंगे तब आप एक ही सिम कार्ड अपने डिवाइस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप जियो के साथ एयरटेल को भी चलाना चाहते हैं तो एक टाइम एक ही सिम कार्ड चलेगा, दूसरा अपने आप बंद हो जाता है, तो इस बात का भी आपको एक बार ध्यान रख लेना है। तो आप नेटवर्क में जाकर चेक कर सकते हैं आपने VLTE चूज़ किया हुआ है या फिर आपका ऑन है या नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं नेटवर्क मोड, यहाँ पर हमारा 4G आ चुका है, लेकिन कई सारे लोगों का यहाँ पर जो है यहाँ पर इस तरह का ये हो सकता है, यहाँ पर इस तरह के तीन ऑप्शन है, तो आपको उसको 4G पर कर लेना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर अभी भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और भी कोई तरीका या फिर और भी कोई प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो ला सकूँगा।